इन्वेस्टर क्लब की आज 25वीं सालगिरह, रजत जयंती समारोह था यहाँ पर, तो आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर क्लब के मेंबर आए हैं। और पिछले 25 सालों में क्लब की संख्या भी 25 से बढ़कर 781 आज हो गई है। और ये क्लब लोगों को रोज़गार के लिए, व्यापार के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज उसी से ये आपसी विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान, जो समस्याएं आती हैं समाज के सामने, लोग उनका समाधान कैसे करना है, उसके लिए इन्वेस्टर क्लब ये बना है। और मैं समझता हूँ सेवा के क्षेत्र में और हेल्थ और हैप्पीनेस के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है इस कार्यक्रम में आकर कि इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य ये इन्वेस्टर क्लब कर रहा है, तो उसके लिए मैं आज बधाई देने के लिए उनको आया हूँ। सर, आपने स्टेज बताया, स्वस्थ रहने का गुरु आपको बताया, तो हमारे देखिए हम हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के विकास के लिए, देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हमेशा चिंतित रहते हैं। इसलिए उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के लिए पूरे देश, दुनिया के देशों को उसमें मान्यता दिलाई। आज सैकड़ों की संख्या में देश 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। वो उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ देश की निशानी है। स्वच्छता और स्वस्थता, ये दोनों का आपस में मेल है। उसके लिए मोदी जी की सरकार भी काम कर रही है और सब लोगों की जन भागीदारी के साथ उसको आगे बढ़ा रही है, जो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर, आप समाज अधिकारिता मंत्रालय से हैं, क्या आपको लगता है समाज में सही न्याय मिल रहा है लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर जब से आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में और आदरणीय थावरचंद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, इसने मैं समझता हूँ बहुत सक्रियता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत तेज़ी के साथ इस समाज के विभिन्न वर्गों को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, दिव्यांगों के लिए अनेक अभूतपूर्व कार्यक्रम किए हैं, अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं, कानून बनाए हैं। मैं कहता हूँ इस विभाग में बहुत सक्रियता भी आई है और लोग संवेदनशीलता भी बढ़ी है।